और ये मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश और प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी आंतरिक सरकार की जो समस्याएं हैं वो दूर होती नजर नहीं आ रही हैं। देश और प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद भी यही सब कुछ लगातार जारी है। पूर्व पीएम शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द। क्या भारत ही रहेगा हसीना का ठिकाना? बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी न तो हिंसा की घटनाएं थम रही हैं और न ही पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें। उनकी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं से मारपीट की खबरें लगातार आ रही हैं। शेख हसीना पर भी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस बीच अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इसके साथ ही उनके अन्य सहयोगियों का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार, पूर्व कैबिनेट और भंग नेशनल असेंबली के सभी सदस्य अपने पदों के आधार पर राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र थे। अगर उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया है या सेवानिवृत्त कर दिया गया है तो उनके और उनके जीवन साथी के राजनयिक पासपोर्ट रद्द किए जाने चाहिए। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में है। अभी भी शेख हसीना की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि वो ब्रिटेन या किसी यूरोपीय देश में शरण मांग रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने उन्हें मंजूरी नहीं दी है। रिपोर्ट की माने तो शेख हसीना का लंबे समय तक भारत में रहना संभावित राजनयिक जटिलताएं पैदा कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में भी हसीना के प्रत्यर्पण की मांग जोर पकड़ने लगी है। नई अंतरिम सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर विचार कर रही है। बांग्लादेश की मुख्य पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है ताकि उन पर बांग्लादेश में मुकदमा चलाया जा सके। अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना पर अब तक कम से कम 49 मामले दर्ज हो गए हैं, जिनमें हत्या के 40, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 7, अपहरण का 1 और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जुलूस पर हमले का 1 मामला शामिल है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। उस बवाल के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और 6 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग गई थी। तब से भारत में ही रह रही हैं। ऐसे में राजनयिक पासपोर्ट रद्द होने के बाद अब शेख हसीना का दूसरे देशों में जाना और कठिन हो गया है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि हसीना सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकती हैं, लेकिन वह सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।